चलो आज हम लोग हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो किस पर है, खिलाफत मूवमेंट पर। हम लोग 1919 से लेकर 1930 तक या 1929 तक का टाइम पीरियड एक साथ देख रहे हैं पूरा। रॉलेट एक्ट देख चुके, जलियांवाला बाग देख चुके कल। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो किस पे रहेगा, खिलाफत मूवमेंट पे रहेगा। और साथ में एक और पार्ट ऐड करेंगे, किसमें आपका थर्ड पार्ट जो असहयोग आंदोलन पर है। किस पर है? असहयोग आंदोलन पे। तो खिलाफत मूवमेंट क्या है और खिलाफत शब्द क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली कहाँ हुआ था? भारत में हुआ, लेकिन ये किसके लिए था? भारत का मुद्दा था, क्या कोई वैश्विक मुद्दा था, या किसी अलग परिदृश्य में हम इसकी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ध्यान देना, खिलाफत जो शब्द आया, ये खिलाफत जो शब्द आया है किसके लिए आया है? खलीफा के लिए आया है। किसके लिए आया है? खलीफा के लिए। खलीफा जो होता था ये इस्लाम धर्म का क्या है? धर्म गुरु। ठीक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद के बाद हम ये जानते हैं कि उनके वंशजों ने, चाहे वो उस्मानी हो, उमैया हो, है ना, ऐसे अलग अलग वंशों ने टर्की पे शासन किया। ना केवल उन्होंने इस्लाम के प्रचार के लिए काम किया, बल्कि उसके साथ साथ साम्राज्यवादी विस्तार भावनाएं भी रखी। और उसी साम्राज्यवादी विस्तार भावना के कारण उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की, जिसको हम लोग ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं। एक ऑटोमन एम्पायर खड़ा किया इन्होंने, और इस ऑटोमन एम्पायर पर जो शासक जो रूल करता था वो खलीफा कहलाया। क्या कहलाया? खलीफा कहलाया। और यह खलीफा पूरे विश्व में जहां जहां मुस्लिम है उन मुस्लिम धर्म के या फिर इस्लाम धर्म के धर्मगुरु के नाम से जाना गया। धर्मगुरु के नाम से जाना गया नहीं, उनका धर्मगुरु होता था। ठीक है, इसीलिए जब हम भारत में भी इस्लाम का उदय देखते हैं, या फिर भारत में भी जब हम इस्लामिक सल्तनत या मुगल काल आदि की भी चर्चा जब हम करते हैं, तो शुरुआत में भारत के राज्य को या उसके सुल्तान को स्वीकृति भी प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन होता था? खलीफा होता था। यानी कि खलीफा के नाम पर भी शासन करने का क्या था? एक चलन था। चाहे वह अलाउद्दीन खिलजी के समय हो, चाहे इल्तुतमिश के समय हो, तो इन लोगों ने अपने लिए खलीफा का जो शब्द, खलीफा से जो खिलअत बोलते थे हम लोग, क्या वर्ड यूज करते थे? खिलअत, या उससे मान्यता प्राप्त करने का क्या किया था? एक पहल चालू की थी, ताकि इस्लाम को मानने वाले कोई भी लोग जो हैं, वह इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों की सल्तनत को या उनके शासन को क्या ना करें, अस्वीकार ना करें। इल्तुतमिश ने सबसे पहले इसको चालू किया था, कारण यह था क्योंकि वो गुलामों का गुलाम था। कौन था वो? गुलामों का गुलाम था। और उसके लिए चैलेंजिंग ज्यादा, चैलेंजेस ज्यादा थे, है ना, प्रतिरोध ज्यादा होता। क्यों? क्योंकि उसके साथ भी कई लोग ऐसे थे जो उसके मालिक के गुलाम थे। तो उसका जो मालिक था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, उसके भी कई गुलाम थे, उसमें से एक इल्तुतमिश भी है। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दमान होने के साथ साथ उसका गुलाम भी था, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, हम लोग जब उसको अलग से डिस्कशन करेंगे ना, तब अपन उसको पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये जो खलीफा जो शब्द है, यहीं से क्या आया? खिलाफत आया। ऐसा क्या हुआ कि खलीफा के लिए अब आंदोलन होने लगा, या खलीफा के सम्मान के लिए आंदोलन होने लगा, जिसको हम लोग खिलाफत मूवमेंट के नाम से देख रहे हैं? हुआ क्या, प्रथम विश्व युद्ध के समय खिलाफत आंदोलन, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो 1914 से लेकर 1918 के मध्य हुआ, इसमें दो राष्ट्र थे, समूह था, एक धुरी राष्ट्र और दूसरा था आपका मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ठीक है, अमेरिका, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, ऐसे सबका समूह किस में था? मित्र राष्ट्रों में था। और ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन कौन था? आपका ऑस्ट्रिया हो गया, टर्की हो गया, है ना, आपका जर्मनी है, ये सब किस में शामिल थे? आपके ध्रुवीय राष्ट्रों में। ठीक है, जर्मनी मेन है इसका, ये ध्यान में रखना, क्योंकि जर्मनी के उन्माद के कारण ही, जर्मनी के कई गुप्त संधियों के कारण ही क्या हुआ, ये
द्वितीय सॉरी प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ केसर विलियम सेकंड के टाइम। उस समय का वहां क्या था, वो प्रशा का शासन चलता था, केसर उपाधि होती थी, केसर विलियम सेकंड। और इस समय चांसलर कौन था, बिस्मार्क। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही बिस्मार्क को किसने हटा दिया था, केसर विलियम सेकंड ने, क्योंकि दोनों की बनती नहीं थी, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट, क्योंकि केसर विलियम प्रथम जब तक था चांसलर के पद पर बहुत मजबूती के साथ में किसने काम किया, बिस्मार्क ने। पूरे जर्मनी के एकीकरण के लिए हम किसी व्यक्ति का अगर नाम लेते हैं तो किसका नाम लेते हैं, बिस्मार्क का। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे जब भारत में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को 365 रियासतों को एक करते हुए देखते हैं, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के, कि यह भारत का बिस्मार्क है, ऐसा वर्ड यूज होता है ना, ये भारत के क्या है, बिस्मार्क है, ऐसा पटेल के लिए बोला गया था, ठीक है। क्योंकि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, बिस्मार्क ने। और भारत में रियासतों का विलीनीकरण और एकीकरण किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, एक बड़ी जंग छिड़ी, बेसिकली ब्रिटेन और जर्मनी, है ना। इसमें एक बड़ा ऑटोमन एम्पायर था, क्या, तुर्की, ठीक है, बड़ा एक ऑटोमन एम्पायर है, क्या आपका, टर्की, है ना। अब इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह तय हुआ, एक तो जर्मनी के कनपट्टी पर बंदूक रखकर तो उसको वर्सायल की संधि पर तो साइन कराया गया, जर्मनी का निशस्त्रीकरण किया गया। निशस्त्रीकरण मतलब क्या, उसको हथियार बनाने के लिए या किसी भी प्रकार के औजार बनाने, औजार नहीं कह सकते, हथियार ही बनाने के लिए या शस्त्र बनाने के लिए क्या कर दिया गया, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना। करोड़ों रुपए का हर्जाना लगाया गया जर्मनी के ऊपर युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में। और जर्मनी को ये स्थिति आ गई कि वो अपने देश के बर्तन मवेशियों आदि को बेचकर भी क्या किया उसने, उस हर्जाने को भरा। और ये सारा घटना कौन देखता है, हिटलर देखता है, और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में बताता है कि देश का अपमान करना क्या होता है, हिटलर, उसकी उसकी कहानी है, उसकी आत्मकथा है। किसी को मालूम है उसकी आत्मकथा का नाम, मेरा संघर्ष, को हिंदी में हम लोग कहते हैं मीन कैम, है ना। उसके आत्मकथा, उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, मीन कैम। इतनी मोटी किताब है ना, व्हाइट कलर का कवर पेज है उसमें, मीन कैम या मेरा संघर्ष, हिटलर उसमें लिखता है पूरे चीजों, है ना, ध्यान में रखना इस चीज को। तो यहां पर एक तो सबसे पहले 1919 में आपका वर्साय की संधि हुई, किसकी संधि हुई, वर्साय की संधि हुई। और वर्साय की संधि में सबसे पहले कई अपमानित शर्तों के आधार पर जर्मनी को क्या करना पड़ा, ट्रीटी पे साइन करना पड़ा। अब बात आई तुर्की की, तो तुर्की का विभाजन होगा तो मित्र राष्ट्रों में बटेगा, कुछ पार्ट ब्रिटेन रखेगा, कुछ फ्रांस ले जाएगा, कुछ इटली ले जाएगा। और इसी बात में थोड़ा सा मतभेद बाद में हुआ ना, तो बाद में हम ये देखते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में छोटे छोटे यही मामले जो है कारण बन गए। इसीलिए उस समय तत्कालीन समय के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ और चिंतक, जिनका नाम है वुड्रो विल्सन, क्या नाम है, वुड्रो विल्सन, तो वुड्रो विल्सन ने उस समय जब वर्साय की संधि हो रही थी या प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ और 1918 में राष्ट्रसंघ की नींव रखी गई, उसी समय उन्होंने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो के जो बीज हैं वह प्रथम इसी संधि में या इसी समय क्या कर दी गई है, बो दिए गए हैं, ऐसा कहता है। इस संधि के समय वर्साय कहाँ है, पेरिस में, कहाँ है, पेरिस में, जिसको हम ट्रिटी ऑफ वर्साय बोलते हैं। तो वर्साय जो है महल है, कहाँ है, पेरिस में है, कहाँ है, पेरिस। और पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी, किसकी राजधानी है, फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस में ये क्या हुई थी, ट्रिटी हुई थी, क्लियर है यहां तक। आगे क्या देखते हैं हम लोग, 10 अगस्त 1920 सेवर्स की संधि हुई, और सेवर्स की संधि के माध्यम से तुर्की का विभाजन तय हो गया, तुर्की का विभाजन तय हो गया, ठीक है। तब बाद में ये जो खिलाफत मूवमेंट है वह वापस ले लिया गया, या फिर असफल हो गया कहना चाहिए। यहां पे खलीफा के पद का अपमान था, क्या, तुर्की का विभाजन, यानी कि उसके साम्राज्य को अगर बांटा जा रहा है तो एक पूरे मुस्लिम जगत और इस्लाम अपना क्या मान रहा था, अपमान मान रहा था, खलीफा का अपमान मान रहा था।
इसीलिए भारत में क्या हुआ कि खलीफा के सम्मान के लिए दो भाइयों ने अली बंधु, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, ये दोनों में से एक छत्तीसगढ़ भी आया है, अपन छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे। हाँ, शौकत अली जब 1920 में गांधी जी जब धमतरी आए, है ना, कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए, तो उस दौरान उनके साथ में शौकत अली भी था, ठीक है। तो ये अली बंधु क्या निकालते थे, एक मैगजीन निकालते थे, इनकी मैगजीन का नाम था कामरेड। क्या नाम था? कॉमरेड, ठीक है। कॉमरेड नामक पत्रिका में इन्होंने तत्कालीन समय की स्थिति को देखते हुए जितने भी तुर्की की जनता थी, उस तुर्की की जनता के लिए उन्होंने एक सहानुभूति के एक लेख लिखा, और जिस खलीफा का जो अपमान हो रहा है, उस खलीफा के अपमान के लिए उन्होंने क्या किया, यहां एक आंदोलन स्थापित करने की बात की। किसकी बात की? आंदोलन स्थापित करने की बात की। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? तुर्की का जो विभाजन हो रहा है, उसमें किसका अपमान हो रहा है? खलीफा का अपमान हो रहा है। तो पूरा आंदोलन किसके लिए चलाया गया? खलीफा के लिए। इस आंदोलन में सीधी भागीदारी अब किसने ली? गांधी जी ने। किसने लिया? गांधी जी ने, ठीक है। गांधी जी को इसका नेतृत्व सौंपा गया। 21 सितंबर 1919 को खिलाफत आंदोलन के को चलाने के लिए एक ऑल इंडिया या अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का, ठीक है, 21 सितंबर 1919, ठीक है, 21 सितंबर 1919, ठीक है। किसका गठन किया जा रहा है? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, ठीक है। इस समय जब खिलाफत आंदोलन चालू हुआ, तो इसमें गांधी जी की ना बहुत आलोचना होती है, और आलोचना क्यों होती है इसको ध्यान में समझना। इसको गांधी जी की राजनीतिक भूलों में से एक कहा गया है। क्या कहा गया है? गांधी जी की राजनीतिक भूल। ऐसा क्यों कहा गया समझना। खलीफा कहाँ बैठा है? तुर्की में बैठा है, ठीक है। वो इस्लाम का क्या है? धर्म गुरु है। उसके सम्मान के लिए आंदोलन कहाँ हो रहा है? भारत में, ठीक है। अली बंधु इस खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करते हैं अपने एक सहानुभूति और एक संवेदनात्मक लेख से, ठीक है, भारत में। 1900 सितंबर 1919 में एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन होता है। अब इसका नेतृत्व किसको देने की बात होती है? गांधी को देने की बात होती है। और इस समय मोहम्मद अली जिन्ना, जो एक मुस्लिम लीडर है, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी को इस समय चेताते हैं और ये कहते हैं कि आप इस आंदोलन को हवा देकर या इस आंदोलन का नेतृत्व कर या सपोर्ट कर कट्टरवादी मुस्लिमों और उनके अनुयायियों को किसी भी प्रकार से प्रोत्साहन देने का प्रयास ना करें, नहीं तो यह भविष्य के लिए बहुत गलत होगा। अगर आपको भविष्य की चिंता है तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये किसका स्टेटमेंट है? मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि आने वाले 100 वर्षों में भी, महात्मा गांधी के स्टेटमेंट बता रहा हूं, कि आने वाले 100 वर्षों में भी चलकर ऐसा कोई अवसर नहीं आने वाला है जो हिंदू मुस्लिम को एक कर सके। या सीधा सीधा उनका स्टेटमेंट बताता हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा असुनहरा अवसर आने वाले 100 वर्षों में भी नहीं आएगा। ये उनका स्टेटमेंट। खिलाफत आंदोलन को चालू करना और उसका समर्थन करना, इसके खिलाफ मदन मोहन मालवीय भी थे। मदन मोहन मालवीय ने भी इस बात को चेताया कि हम बेफिजूल की ऐसे बातों को क्या कर रहे हैं, तूल दे रहे हैं, जो यहां का मामला है ही नहीं, सीधा सीधा। और हम इससे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक सांप्रदायिक तौर पर हम क्या करेंगे, अपने ही गलतियों पर क्या, सॉरी, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। ये उनका थॉट था, ठीक है। और इस बात को कौन भी चेता रहा है? मोहम्मद अली जिन्ना भी चेता रहा है, और उसकी बात सही हुई। आप ही ने क्या किया, इस्लाम के उस पैमाने को, यानी कि धर्म का जहां मामला है, उस धार्मिक मामले में आपने राजनीति का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया है? राजनीति का प्रयोग।
दिल्ली में जब इसकी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की जब बैठक हुई, तो उस खिलाफत कमेटी की बैठक का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? गांधी जी को बनाया गया। किसको बनाया गया था? गांधी जी को। कब हुई दिल्ली में ये बैठक, मैं बता रहा हूं आपको, 23 नवंबर 1919, लिख लेना है ना, 23 नवंबर 1919 ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। इसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए पहले दिन के सम्मेलन के, उनका नाम था फजलुल हक। क्या नाम था इनका? फजलुल हक, ठीक। कब? 23 नवंबर 1919 दिल्ली में पहला सम्मेलन हुआ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का, और इसमें पहला जो बनाया गया अध्यक्ष वो कौन था? फजलुल हक था, ठीक। 24 नवंबर 1919 को, 24 नवंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसको सौंप दी गई? महात्मा गांधी। किसको सौंप दी गई? महात्मा गांधी। क्लियर है यहां तक? ठीक है। क्यों हुआ खिलाफत आंदोलन? तुर्की का जो विभाजन हो रहा था 10 अगस्त 1920 को, जो तुर्की का विभाजन हुआ वो सेवर्स की संधि के कारण ना, किस संधि से हुआ? सेवर्स की संधि इसको हम लोग कहते हैं। तो सेवर्स की संधि के साथ में तुर्की का विभाजन हो गया, लेकिन उसकी बात कहाँ हो गई थी? 1919 के वर्साई की संधि में हो गई थी कि तुर्की का विभाजन होगा, और उसी के लिए 1919 में क्या चालू हो गया? यहाँ पर एक आंदोलन चालू हुआ जिसको हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं, और इसमें बढ़ चढ़ कर किसने हिस्सा लिया? महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया। अब महात्मा गांधी को चेताने वाले व्यक्ति भी कौन है? मैंने बता दिया, मोहम्मद अली जिन्ना थे, कि आप कट्टर पंथियों को क्या दे रहे हो? आश्रय दे रहे हो, उनको प्रोत्साहन दे रहे हो, ठीक है। धार्मिक मामला जो राजनीति का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, चेता दिया। मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने उनको चेताया, लेकिन गांधी जी का ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ऐसा सुनहरा अवसर 100 वर्षों में भी नहीं आएगा। 21 सितंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन होता है, और 23 नवंबर 1919 को इसकी पहली बैठक दिल्ली में होती है। उसका पहला अध्यक्ष बनाया जाता है किसको? फजलुल हक को। किसको बताया जाता है? फजलुल हक को। 24 नवंबर, अगले ठीक अगले दिन 24 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी को इसका क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसका? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का। जनवरी 1920 में तत्कालीन वायसराय है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड से इस समय के एक शिष्ट मंडल, मोहम्मद अली बंधुओं के में से एक कोई रहता है उसमें, उसके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जाकर क्या मिलता है? वायसराय से मिलता है, और उनसे अपील करता है कि जिस वर्साय की संधि में जो तय किया गया है कि तुर्की का विभाजन होगा वो हमारे खलीफा का अपमान है, तो तुर्की का विभाजन ना किया जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। किसके समक्ष ये बात रख रहे हैं? इस समय के वायसराय से, ठीक है। लेकिन 13 जनवरी सन 1920 को है ना, ये जब ये दल मिला है उसके बाद पूरे तरीके से वो ठंडे बस्ते में पड़ा। किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला, किसी भी तरीके के क्या नहीं हुआ उनको, कोई रियायत नहीं मिली किसी भी प्रकार का कि हाँ हम इस पे प्रयास करेंगे, ऐसी बात तक नहीं हुई। वहां पर आंदोलन चल रहा है। 10 अगस्त 1920 को सेवर्स की संधि होती है, और तुर्की का विभाजन हो जाता है। किसका विभाजन हो जाता है? तुर्की का विभाजन। अब गांधी जी, यहां पर ध्यान में रखना कि गांधी जी अब यहां पे क्या हो चुके थे? सहयोगी से असहयोगी हो गए थे। क्या हो गए थे? सहयोगी से असहयोगी, ठीक है। कारण क्या था कि सबसे पहले कि प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय सन 1914 के समय आप भारत को ये कहते हो, या कांग्रेस के बड़े दल को, एक समूह को आप ये कहते हो कि हम भारत में क्या देंगे? एक उत्तरदायी शासन देंगे, है ना। और बदले में इस समय प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से भारत क्या होगा? शामिल होगा, हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ठीक है, ताकि हमको
उत्तरदायी शासन मिलेगा, लेकिन उत्तरदायी शासन की जगह हमको क्या मिला, रॉलेट एक्ट मिला। ठीक है, हमको उत्तरदायी शासन की जगह क्या मिला, जलियांवाला बाग मिला। ठीक है, हमको उत्तरदायी शासन की जगह पर क्या मिला, खिलाफत मिला। तो ऐसे सारे जितने भी हम मामले देख रहे हैं, जितने आंदोलन देख रहे हैं, जो हमारे लिए पॉजिटिव आना चाहिए था वो क्या हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट में आया, है ना। इसीलिए जो एक पॉजिटिव अप्रोच का नैरेटिव था महात्मा गांधी का, वो किसमें बदल गया, नॉन कॉपरेशन में बदल गया। ठीक है, किसमें बदल गया, नॉन कॉपरेशन। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गांधी जी का जो पहला जो चरण है, या जो शुरुआती जो समझ है, शुरुआती जो हम उनका मूवमेंट देखते हैं, वो एक सहयोगात्मक है, सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 1919 की घटना से लेकर 1920 तक की वो घटना को देखते हैं, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर खिलाफत आंदोलन है ना, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग जैसा कांड है, तब गांधी जी अब क्या हो गए हैं, असहयोगी हो गए। क्या हो गए, असहयोगी हो गए। अब इस समय खलीफा की सर्वोच्चता पुनर्स्थापित करना, स्वराज की स्थापना करना जब इनकी डिमांड थी, तो वो हो पाया क्या, नहीं हो पाया। अब अगला जो चरण था, इलाहाबाद में एक बैठक हुई, और बैठक में जून 1920 में तय किया गया कि अब हम असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे। क्या प्रारंभ करेंगे, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये तय कर लिया। एक चीज ध्यान रखना, 17 अक्टूबर 1919 इसी खिलाफत आंदोलन के समय पे 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया, खिलाफत दिवस का आयोजन किया गया। इस दिन दिल्ली में मंदिरों में क्या की गई, नमाज अदा की गई, मस्जिदों में क्या गया, पूजा आरती की गई। इसमें गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू जैसे महान व्यक्तित्व भी थे। जामा मस्जिद के बाहर स्वामी श्रद्धानंद का जो है ऐतिहासिक भाषण हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ऐतिहासिक भाषण। और दिल्ली में ही श्रद्धानंद की हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने की लड़ाई में वो शहीद, कौन, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, बहुत बड़े किसान नेता माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश क्षेत्र से वाते थे, ये ध्यान में रखना। ठीक, तो खिलाफत दिवस मनाया गया, उस दिन मंदिरों में क्या की गई, नमाज अदा की गई, और मस्जिदों में क्या किया गया है, पूजा आरती की गई। ठीक है, ये खिलाफत मूवमेंट के दौरान की एक प्रमुख क्या है, घटना। ये खिलाफत आंदोलन था। अब खिलाफत आंदोलन क्या हो गया, आपका असफल हो गया, और असफल होने के बाद अब गांधी का अगला मूवमेंट हम क्या देखते हैं, नॉन कॉपरेशन के रूप में देखते, किस रूप में देखते हैं, नॉन कॉपरेशन या असहयोग आंदोलन के रूप में हम देखते हैं। किस रूप में देखते हैं, असहयोग। ठीक है, तो अब असहयोग कैसे हुआ, ठीक है, अब असहयोग की पृष्ठभूमि क्या थी, तो ध्यान रखना कि यह असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा अपनाया गया भारत में एक पहला राष्ट्रीय आंदोलन है। भारत का क्या है, पहला राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, पहला राष्ट्रीय आंदोलन सन 1920। ठीक है, इसका प्रारंभ 1 अगस्त सन 1920 को हुआ, है ना। यहाँ पे इसको चौरा चौरी करना, 1 अगस्त सन 1920, ये 1 अगस्त सन 1920 का दिन एक और चीज के लिए जाना जाता है। इस दिन सुबह ही लोकमान्य तिलक की क्या हो चुकी थी, मृत्यु। किसकी मृत्यु हुई, लोकमान्य तिलक। 1 अगस्त सन 1920 को यह तय हुआ कि असहयोग आंदोलन क्या किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। कैसी पृष्ठभूमि हुई, कौन कौन से अधिवेशन में तय किया, कांग्रेस ने कैसे अपनाया गांधी के इस मूवमेंट को, वो पूरा हम लोग चर्चा करेंगे अभी। लेकिन एक इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखते हैं कि गांधी का पहला क्या है, ये राष्ट्रीय आंदोलन है। अब गांधी सहयोगी से क्या हो चुके हैं, असहयोगी हो चुके हैं। प्रारंभ कब हुआ, 1 अगस्त सन 1920। प्रश्न पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो 1 अगस्त सन 1920 को हुआ, और खत्म कब हुआ, सन 1922, 6 फरवरी सन 1922 को चौरा चौरी की घटना हुई, और उसके बाद 12 फरवरी सन 1922 को गांधी जी ने पूरा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। 12 फरवरी सन 1922, और उसके बाद गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार करके ब्रूमफील्ड की अदालत में पेश किया गया, है ना। सामाजिक उन्माद, है ना, और जनता में असंतोष भड़काने के लिए, ठीक है, ऐसे आरोप लगाकर गांधी जी को कहां पेश किया गया, अदालत में पेश किया गया। असहयोग आंदोलन के कारण क्या 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 थे, उसको हम लोग एक बार देखते हैं।
ठीक है, वो जरूरी है हमारे लिए, एक इंट्रोडक्शन तो देखना ही है, लेकिन उसके साथ में हम क्या देखना है, उसका कारण क्या था, फिर उसमें हमको किस तरीके से उसके कार्यक्रम तय हुए, वो कार्यक्रम हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्या, रॉलेट एक्ट सन 1919 में आए हुए एक काले कानून या रॉलेट एक्ट के का एक बड़ा कारण था कि गांधी जी अब सहयोगी से क्या हो गए, असहयोगी हो गए। रॉलेट एक्ट बहुत बड़ा कारण है जिसको हम लोग देखते हैं, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ सन 1919 में, है ना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी अंग्रेजों की जो कहने चाहिए कि जो असक्रियता थी, है ना, या उसके प्रति उनका संवेदनाएं नहीं थी और उनका जो ढीलापन था उसके लिए कि अपने व्यक्ति को बचाना है, इससे और नाराज हुआ भारतीय, ठीक है। क्योंकि जलियांवाला कांड जैसी, हत्याकांड जैसी घटना जो है वो एक वैश्विक पटल पर क्या रख रहा है, एक इमेज रख रहा है कि इसकी ब्रिटेन की, है ना। और उसके लिए भी वो क्या कर रहे हैं, अपने व्यक्ति को बचा रहे हैं, जनरल डायर को पूरी तरीके से बचा दिया उन्होंने, है ना। सिर्फ क्या किया, नौकरी से बाहर निकाल दिया कि आपने ऐसा किया है। उसके बाद अगला क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसको हम लोग कहते हैं, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली स्थापित करता है, यह स्थिति किस लिए आई, अभी समझना, कि हम किसकी मांग कर रहे थे, स्वराज्य की मांग कर रहे थे, स्वशासन की मांग कर रहे थे, है ना। एक बड़ा आंदोलन लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में हुआ होम रूल का, उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, स्वशासन की बात कर, लेकिन हमारे पास स्वशासन कैसे मिला, जैसे है ना कुछ मंत्री ये कहते हैं कि मैं विकास मंत्री हूं लेकिन मेरे पास में क्या नहीं है, वन नहीं है, ठीक है। मैं सिंचाई मंत्री हूं लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, कृषि का विभाग नहीं है, तो ये कैसा स्वशासन, ठीक है। सारी महत्वपूर्ण शक्तियां कौन रख रहा है अपने पास में, केंद्र रख रहा है, और सिर्फ दिखावे के लिए प्रांतों में कौन है, भारतीय है, ठीक है। तो इस तरीके से द्वैत शासन की जो प्रणाली कहां से आई, सन 1919 में आई, यह हमारे लिए क्या था, बिना सूरज का सवेरा है। क्या था, बिना सूरज का सवेरा, जो किसने कहा था, लोकमान्य तिलक ने कहा। यहां पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेवर्स की संधि और तुर्की से साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जिसके कारण हम खिलाफत आंदोलन देखते हैं, वो एक बड़ा कारण बना। वो क्या बना, एक बड़ा कारण बना, महंगाई, बेरोजगारी, और अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए जो स्वराज की बात की थी, जो उत्तरदायी शासन की बात की थी, वो उत्तरदायी शासन भी उनको नहीं मिला, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ अन्य कारण थे, एक तो आपका रिलेटेड हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या सुधार हो गया, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में ये जो महत्वपूर्ण कारण हुए। तो उस समय महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी, प्रथम विश्व युद्ध के समय आपका प्रोडक्शन रुकेगा तो आपकी महंगाई और बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, प्रोडक्शन रुकेगा तो आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं कि बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, ठीक है। महंगाई बढ़ेगी कि नहीं, बढ़ेगी, ठीक है। तो वो बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी की मार भी कौन झेल रहा था, भारत झेल रहा था। इस तरीके से है ना पृष्ठभूमि तैयार हुई किसकी, असहयोग आंदोलन की। अब आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि औपचारिक प्रारंभ जो हुआ वो 1 अगस्त सन 1920 से हुआ। कब से हुआ, 1 अगस्त सन 1920, ठीक है। इस समय तिलक जो है अस्वस्थ चल रहे थे लंबे समय से, और उनकी क्या हो गई, इसी दिन मृत्यु हो गई। 1 अगस्त सन 1920 को आंदोलन को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले यह तय किया गया कि हम तिलक स्वराज कोष की स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे, तिलक स्वराज कोष की स्थापना करेंगे, और लक्ष्य रखा गया कितना, 1 करोड़ रुपए तक इकट्ठा करने का। अब कांग्रेस जो है वह उच्च स्तर या कुलीन वर्ग, अभिजात्य वर्ग या मध्यम वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा, अब उसको एक ग्राउंड लेवल श्रमिकों और एक किसान तक पहुंचाना है, ठीक है, आम जनता तक पहुंचाना है। किसको, कांग्रेस को। और इसीलिए इस समय कांग्रेस की सदस्यता राशि 1 रुपए तय की गई। कितनी तय की गई, 1 रुपए, जो किसमें इकट्ठा की जाएगी, तिलक स्वराज कोष के लिए स्थापित की जाएगी, तिलक स्वराज कोष में क्या की जाएगी, वो इकट्ठा की जाएगी। और क्या होगा इस धनराशि का, क्या किया जाएगा, 1 करोड़ की जो धनराशि इकट्ठा करने का जो लक्ष्य रखा गया, इस 1 करोड़ की धनराशि में से चरखा खरीदा जाएगा, है ना।
आपके आश्रम व्यवस्थित किए जाएंगे, जहाँ पे जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके साथ में क्या कर रहे हैं, आंदोलन में लगे हुए हैं, उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनके आर्थिक उन्नति के लिए नए जो सेटअप लगेंगे उनकी व्यवस्था की जाएगी, और दूसरा चरखा खरीदा जाएगा। ठीक है, क्या खरीदा जाएगा? चरखा। जो इस धनराशि इकट्ठा हुई उसका चरखा बांटा गया, और चरखा क्यों बांटा गया उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है समझना। मैंने उस दिन भी कहा था गांधी को समझाते हुए कि गांधी जी एक क्या है, परफेक्ट बनिया है, ऐसा कहा था। उनके पूरे दृष्टिकोणों में एक आर्थिक दर्शन अलग से दिखता है, दिखता है। उनके आंदोलन क्या थे, पूरे इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्या था उनका आंदोलन था, ये आंदोलन भी वैसा ही था। चरखा से क्या करेंगे हम लोग, हाँ क्या करेंगे जीतेश्वरी, कपड़ा नहीं बनाएंगे, सूत काटेंगे। हाँ सूत काटेंगे ना, ठीक है, उससे चरखा से कपड़ा थोड़ी बनता है। हाँ? ठीक, सूत काटने के लिए हम क्या करेंगे, चरखे का प्रयोग करेंगे। अब सामान्य दृष्टिकोण समझना, वो चरखा क्यों इंपॉर्टेंट था। बिलासपुर में और लगभग 424 चरखे बांटे गए थे असहयोग आंदोलन के समय, स्वदेशी निर्माण की जब बात चल रही है, स्वदेशी को जब कहना चाहिए कि स्वदेशी प्रयोग को जब क्या दिया जा रहा है, नारा दिया जा रहा है, तो उस दौरान 424 चरखे कहाँ बांटे गए, बिलासपुर में बांटे गए, रायपुर में भी ऐसी कुछ था संख्या में, सभी जगह। क्या हो रहा है, अब हर व्यक्ति रोज आंदोलन में और धरने में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। ठीक है, एक तो वंदे मातरम बोलना अनिवार्य किया गया, ठीक है, खादी पहनना अनिवार्य किया गया, ठीक है, उसके बाद फिर चरखा चलाना इंपॉर्टेंट किया गया। तो क्यों किया जा रहा है, तो चरखे चलाने से कि आप जो सूत काटेंगे, आप एक घंटा भी क्या कर रहे हैं, आप चरखा चला रहे हैं। चरखा असहयोग आंदोलन का प्रतीक था, किसका प्रतीक था, असहयोग आंदोलन का प्रतीक था। आप एक घंटा भी अगर चरखा चला रहे हो तो किसको समर्थन दे रहे हो, असहयोग आंदोलन को समर्थन दे रहे हो। ये कॉन्सेप्ट, ये क्या है, मैं बार बार कहता हूं कि जो गांधी जी की फिलॉसफी में सत्य और अहिंसा जो था, वो सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट था, वह एक तरीके का अंग्रेजों को दिया जाने वाला मानसिक टॉर्चर था, वो एक हरेसमेंट था उनके लिए। अब हम मान लीजिए भारतीय हैं और कुछ अंग्रेज खड़े हैं, अब हम अंग्रेजों के ऑफिस में जाकर एक दूसरे संवाद कर रहे हैं, वंदे मातरम बोल रहे हैं, अंग्रेज को भी जाके हम नमस्ते गुड मॉर्निंग की जगह हम क्या बोल रहे हैं, जाके वंदे मातरम बोल रहे हैं, तो क्या समझतेगा? ये असहयोग आंदोलन को समर्थन देने वाला क्या है, व्यक्ति है, भारतीय है। मैं टोपी पहन के जाऊंगा, ठीक है, मैं खादी वस्त्र धारण करूंगा, सड़कों पे मैं उस तरीके से मूवमेंट में रहूंगा, मैं कोई हथियार जब उठा रहा हूं क्या, कोई युद्ध लड़ रहा हूं क्या, मैं कोई हिंसा का काम कर रहा हूं क्या, कोई विद्रोह चल रहा है क्या, नहीं। लेकिन ये एक तरीके का ऐसा आंदोलन है जिसमें बिना किसी हथियार के, बिना किसी औजार के, बिना किसी हिंसा के क्या किया जा रहा था, एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा रहा था, असहयोग आंदोलन। और ये क्या है, सामने वाले को बिना लड़े क्या करना, मात देना। अब आप कुछ ही नहीं करोगे तो आपको वो आप पर प्रहार करेगा क्या, आपके लिए दमन नीति अपनाएगा क्या, नहीं अपनाएगा। ठीक है, आप शांतिपूर्वक धरने पे बैठ जाओ, ठीक है, अब शांतिपूर्वक धरने पे जब आप बैठे तो आकर आप पर लाठीचार्ज होगा क्या, होगा क्या, नहीं। और ब्रिटेन ने कर भी नहीं सकता था, कारण क्या, क्योंकि वैश्विक पटल पर एक बार उसकी क्या हो चुकी है, फजीहत हो चुकी है जलियांवाला कांड में। अब एक शांतिपूर्ण चल रहे धरने पर क्या करेगा, वो लाठीचार्ज करेगा या उसे दमन दबाने का प्रयास करेगा, तो पूरा विश्व देख रहा है ब्रिटेन को, सिर्फ भारत थोड़ी देख रहा है, पूरा क्या देख रहा है, विश्व देख रहा है। ठीक है, पूरे विश्व में इस बात की ये बात उठती है, कहना चाहिए कि यह पहल उठती कि पूरा जो क्या कहना चाहिए आपका क्या कहते हैं उसको, वैश्विक पटल पर आपकी जो फिलॉसफी है, आपका दिया जाने वाला जो दर्शन है, वो दर्शन किस तरीके से, सही गलत है? आपका पूरा जो आप ये कह रहे हो कि लिबर्टी है ना, गवर्नेंस है ना, और जो लोकतंत्र, ये सब की जो बात कर रहे हो आप बड़ी बड़ी, वो आप भारत में क्यों नहीं दे रहे हो, भारत में इसका उलट क्यों है, वैश्विक स्तर पर उसकी छवि पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसलिए गांधी जी के सारे सत्याग्रह जो है ना, इसी पे बेस्ड होते। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। इस समय सबसे पहले एक महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग कर क्या किया, इस आंदोलन का प्रारंभ किया, इसके रचनात्मक और बहिष्कार जो प्रोसेस थे इसके,
है ना, रचनात्मक, एक विध्वंसात्मक बहिष्कार और एक रचनात्मक स्वदेशी, ऐसे दो कार्यक्रम तय है। उस कार्यक्रमों के अंतर्गत है इसको हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले क्या हुआ कि इसको कांग्रेस की स्वीकृति कैसे मिली। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को, यहाँ पे एक अच्छा थॉट आया था, ध्यान में रखना, यहाँ पे कांग्रेस वर्ड आया है उसको मैं डील कर रहा हूँ आपको, कि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को पहली की गोपाल कृष्ण गोखले की संस्था, जिसका नाम क्या था, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऐसी संस्था ने जब किसी व्यक्ति को क्या नहीं, उसकी अपनी सदस्यता नहीं दी, वो कांग्रेस की सदस्यता लेने भी नहीं गया, ऐसे व्यक्ति को और ऐसे उसके आंदोलन को सीधे सीधे कांग्रेस ने ज्वाइन किया, ऐसा कहते हैं। गांधी कांग्रेस को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस किसको ज्वाइन कर रही थी, गांधी को, ऐसा कहा जाता है। अब स्वीकृति कैसे मिली, तो सबसे पहले लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ 1920 में, ठीक है। यहां पे अब देखना दो चीजें प्रयोग होगी, एक क्या है आपका मुख्य अधिवेशन है जो हमेशा दिसंबर में होगा, किसमें होगा, दिसंबर में। जब भी विशेष अधिवेशन की बात होगी ना, तो किसी विशेष प्रस्ताव या किसी विशेष चर्चा के लिए बुलाया गया वो अधिवेशन होता है विशेष अधिवेशन, ठीक है। सामान्य अपने कुछ प्रमुखों के साथ में वो बैठा जाता है, उसमें विशेष अधिवेशन जब भी जुड़ता है तब, वो दिसंबर में नहीं होगा, ध्यान में रखना, विशेष अधिवेशन, ठीक है, दिसंबर में होगा तो उनका वार्षिक अधिवेशन ही है, ठीक। तो कलकत्ता में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता इस समय किसने की थी, लाला लाजपत राय ने की थी, लेकिन इस अधिवेशन में कुछ विरोध को लेकर तत्कालीन समय में क्या नहीं मिला, स्वीकृति नहीं मिली, या सहयोग को चर्चा के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन सन 1920 में वी राघवाचारी है ना, या इसको वी राघवाचार्य भी कहा जाता है, कि अध्यक्षता में नागपुर में हुए कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन थे दिसंबर 1920 में, इस पूरे आंदोलन को क्या कांग्रेस ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और पूरे आंदोलन की बागडोर किसको सौंपी गई, महात्मा गांधी, किसको सौंपी गई, महात्मा गांधी। क्लियर है यहां तक, एक बार समझ लेते हैं। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, मैं बताया दिसंबर में नहीं होगा, है ना, विशेष अधिवेशन कभी भी किसमें नहीं होगा, दिसंबर में नहीं होगा, ठीक है। तो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। इस समय गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव पेश किया, किसका प्रस्ताव पेश किया, असहयोग, ठीक। असहयोग आंदोलन का विरोध इस समय किसने किया, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, क्योंकि इस असहयोग आंदोलन में विधायिका के बहिष्कार की बात थी। ऐसे सभी लोग जो विधानसभा या विधानमंडल के क्या थे, सदस्य थे, वो नहीं चाहते थे कि हम विधानमंडल का बहिष्कार करें। उनका कॉन्सेप्ट यह था कि विधानमंडल में भी तो हम असहयोग कर सकते हैं, उनके कामों में क्या डालकर, रोक डालकर। और इसी कॉन्सेप्ट से बाद में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जो है ना, हम 1924 में देखते हैं अलग हो गए थे और जाकर क्या बनाते हैं, स्वराज पार्टी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्वराज पार्टी। अगला क्या यहाँ पर, तो बहिष्कार का कारण ये क्या बताते हैं, ये सॉरी, इसको विरोध का कारण क्या, विधायिका के बहिष्कार को, ठीक है, कि विधायिका का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। आप उपाधि त्यागने बोल रहे, ठीक है ना, राष्ट्रीय शिक्षा का त्याग करने बोल रहे, ठीक है, लेकिन विधानमंडलों का त्याग नहीं होना चाहिए, है ना, ये उनका मानना था। जिन्ना भी इसका विरोध करते कि हमको डायरेक्ट असहयोग या नॉन कॉपरेशन किसके साथ नहीं लेना चाहिए, अंग्रेजों के साथ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो एक उदारवादी नेता है, वो भी डायरेक्ट किसी तरीके से परेशान नहीं करना चाहते, किसको, अंग्रेजों को। मदन मोहन मालवीय, नारायण चंद्रवरकर, विपिन चंद्र पॉल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो एक्चुअल में रचनात्मक कार्यों के समर्थन में थे, लेकिन बहिष्कार नहीं करना चाहिए अंग्रेजी वस्तुओं का, ऐसा कहते हैं, या अंग्रेजी व्यवस्था का क्या नहीं करना चाहिए, बहिष्कार नहीं करना चाहिए। तो ले देखिए मामला क्या हो गया कि यहाँ पर पूरी तरीके स्वीकृति नहीं मिली, है ना, एक तरीके से उनके प्रस्तावों को सिर्फ क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था, लेकिन आंदोलन की स्वीकृति इस समय नहीं हुई, है ना, उस पक्ष में नहीं थी कौन, कांग्रेस, ठीक। यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहिष्कार को निष्ठुर बर्बादी कहा था, क्या कहा था, निष्ठुर बर्बादी। अब वहां से विदेशी वस्त्र आ रहे हैं, है ना, विदेशी सामान आ रहे हैं, उनकी होली जला देना, उनका बहिष्कार कर देना, ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगा, ये किसका कहना था, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो इसके बाद अगला जो अधिवेशन आया, नागपुर का अधिवेशन, तो नागपुर का जो अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में, इसके अध्यक्ष कौन थे, वी राघवाचारी थे, कौन थे, वी राघवाचारी। अब चर्चाएं चली, असहयोग की एक पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है कि असहयोग कैसे होगा। तो अब यहाँ पर अध्यक्ष जब चक्रवर्ती वी राघवाचारी हैं,
तो इसमें सी आर दास ने क्या किया, असहयोग के प्रस्ताव को पेश किया। ठीक है, आप सबको समर्थन में ले आए, है ना, सितंबर से दिसंबर के बीच में तक सब क्या आ गए, समर्थन में आ गए। तो इस समय सी आर दास, चितरंजन दास ने इस समय क्या किया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव या असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, है ना, जबकि यही पहले विरोध कर रहे थे कि विधायिका का क्या नहीं होना चाहिए, बहिष्कार नहीं होना चाहिए। इसे क्या कर लिया, अब स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस के द्वारा, क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। अब प्रभाव क्या था कि कांग्रेस के उद्देश्य में अब क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, परिवर्तन। पहले कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, पूर्णतः अहिंसक और संवैधानिक तरीके से क्या था, आंदोलन, है ना, याचिकाएं सीधा, यही थी उसके फिलॉसफी में, ये उसके एजेंडे में। अब यहां पे क्या हो गया, कांग्रेस के उद्देश्य में परिवर्तन हो गया, संवैधानिक तरीकों के स्थान पर अहिंसक और उचित तरीके से प्रदर्शन। अब इसमें अहिंसक तो जुड़ा रहेगा लेकिन उचित तरीका भी अपनाया जाएगा, धरना हो, रैली हो, है ना, विरोध हो, ये सारा चीज अब किया जाएगा। अब संवैधानिक तरीके बार बार क्या है, हम वो ज्ञापन नहीं देते रहेंगे अपनी मांगों के लिए, है ना, हम क्या नहीं करेंगे, ज्ञापन नहीं देते रहेंगे। इसलिए इस समय ये इसके उद्देश्यों में क्या आया, परिवर्तन आया। ठीक, अब अगला क्या कि एनी बेसेंट और विपिन चंद्रपाल और जिन्ना आदि ने कांग्रेस से क्या कर दिया, इस समय त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे असहयोग। कौन कौन, एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट तो जब उन्होंने 1917 में क्या किया, अपना होम रूल वापस ले लिया, ठीक है, तो उसी वहीं से हमको समझ में आता है। ठीक, विपिन चंद्रपाल का अलग कॉन्सेप्ट था, जिन्ना जब यहाँ पे इस तरीके से असहयोग देखता है किसके साथ में, अंग्रेजों के साथ में, तो उसे मुस्लिमों के हितों का टकराव दिखता है, ठीक है, इसलिए वो क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, किससे, कांग्रेस से। ठीक, अब यहां से क्या होता है, स्वीकृति मिलने के बाद हम ये देखते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, अब उसके कार्यक्रम तय होते हैं। तो कैसे कार्यक्रम तय होते हैं, तो एक असहयोग या इसे हम लोग कहते हैं विध्वंसात्मक बहिष्कार, विध्वंसात्मक बहिष्कार, और दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं, रचनात्मक स्वदेशी। किसको अपनाना है, स्वदेशी। ठीक है, दो कार्यक्रम तय कर दिए गए असहयोग आंदोलन के, एक में रचनात्मक कार्यक्रम होंगे और दूसरे में क्या होगा, असहयोग होगा, बहिष्कार होगा, क्या होगा, बहिष्कार। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बहिष्कार क्या क्या होगा, असहयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यह तय किया गया कि जितनी भी ब्रिटिश उपाधियां दी गई हैं, सारी उपाधियों को क्या का क्या किया जाएगा, त्याग किया जाएगा, वकालत का त्याग किया जाएगा। ठीक है, जो वकालत की जो उपाधि दी गई है ना, वो सब। तो यहां पर सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग की, ऐसे एक राय बहादुर की उपाधि दी गई थी किसको, जमनालाल बजाज को, तो जमनालाल बजाज ने भी क्या किया, राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ठीक है, राय साहब, राय बहादुर, ऐसी उपाधि दी जाती है ना। हमारे यहाँ वामन राव लाखे ने त्याग दिया, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल ने त्याग किया, है ना। बैरिस्टर की उपाधि किसने त्याग दी, छेदीलाल ने, है ना। तो ऐसे कई लोग जो थे, इन्होंने अपनी क्या की, जितने भी उपाधियां जो ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई थी, ऐसी सारी उपाधियों का त्याग करना है पहला रखा गया। मतलब उपाधियां त्यागना छोटी मोटी बात नहीं होती है, ठीक है, उसको जो सम्मान मिला वो सम्मान त्याग रहा है, तुमने मुझे सम्मान दिया है मैं त्याग रहा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या, सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र। तो इस समय सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, है ना, विट्ठल भाई पटेल आदि सभी ने क्या कर दी, वकालत छोड़ दी। अपनी जितनी भी बैरिस्ट्री थी जो वकालत कर रहे थे, वो सब ने अपनी वकालत क्या कर दी, छोड़ दी। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि ये जितने चीजें ना त्यागे जा रहे हैं ना, तो आप उपाधि तो नई उपाधि छोड़ दो, है ना, कि नई उपाधि तो नए तरीके से आ जाएगी भारतीयों की तरफ से, लेकिन जो सरकारी नौकरी या सरकारी पदों से त्याग पत्र जो दिया जा रहा है, उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, वो रचनात्मक कार्यों में आप, तो असहयोग में पहला आपका क्या कि जितने भी उपाधियां उसका त्याग करना है, सरकारी नौकरियां जिनका उनको क्या करना है, छोड़ना है, उनका त्याग करना है। अगला क्या, सरकारी शिक्षा का विरोध और स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा। अब यहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेजेस की स्थापना की जाएगी,
लगभग 90,000 से ज्यादा विद्यार्थी पूरे देश भर से क्या करते हैं, अंग्रेजी शिक्षा का त्याग कर देते हैं, सरकारी शिक्षा उनको नहीं चाहिए। तो अब ऐसा क्या हुआ, सन 1920 में एक काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, दूसरा 1920 में जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, 1920 में गुजरात विद्यापीठ की अहमदाबाद में स्थापना की गई, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कोलकाता में नेशनल कॉलेज, सॉरी सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य बनाया गया, नेशनल कॉलेज पहले ही फॉर्म हो चुका है हिंदू कॉलेज के नाम से जो बना, तो बाद में नेशनल कॉलेज कहलाया। तो कोलकाता के नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन बनाए गए, सुभाष चंद्र बोस बनाए गए। जेपी नारायण जो है वो बिहार के कॉलेज में क्या हुए, ने कॉलेज को अपॉइंट किया, वहां पे राष्ट्रीय शिक्षा को प्रेरित किया, कहां पे, जयप्रकाश नारायण बिहार में, ठीक है, बिहार में उन्होंने फॉर्म किया। इसके अलावा फिर क्या होता कि जितने भी विदेशी कपड़े थे, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, उसका बहिष्कार किया गया जगह जगह, हर जगह घटना अलग अलग चलेगी, और पूरा देश व्यापी और पहला राष्ट्रीय आंदोलन है जिसमें जनता खुल के सपोर्ट कर रही है, अपना चूल्हा चौका छोड़कर भी महिलाएं भी किसमें शामिल हो रही, गांधी जी के इस आंदोलन में शामिल हो रही, इसलिए एक बड़ा मास मूवमेंट हम कहते हैं। एक खास बात बताता हूं आप लोग को यहीं पे कि जब गांधी जी ने असहयोग को प्रारंभ किया तो उन्होंने दो चीजें रखी, एक नेता और ना जनता के बीच का रिलेशन उन्होंने पहले डिफाइन कर दिया, और जब असहयोग प्रारंभ भी हुआ, जब असहयोग की बागडोर भी गांधी जी को दी गई, तो उस समय गांधी जी ने तय कर लिया था या बता दिया था पहले ही कि जब मैं कहूंगा तो आंदोलन प्रारंभ होगा और जब मैं कहूंगा तो आंदोलन स्थगित होगा, ये पहले ही उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ था। इसमें चार लोगों की सलाह मशवरे की बात नहीं है कि जब आंदोलन आप चार लोगों से पूछकर बंद किया जाए कि नहीं किया जाए, अगर आप नेतृत्व कर रहे हो, अगर आप लीडर हो, तो आपके पास में क्या होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि मैं कह दूं तो आंदोलन चलेगा और मैं कह दूं तो आंदोलन रुकेगा, उसके लिए आलोचना भी झेलनी पड़ती है ना, जरूरत पड़े तो। और उन्होंने कहा कि नेता कौन होगा जो निर्देश करेगा, ठीक है, और जनता कौन होगी जो निर्देशों का पालन करेगी, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया आंदोलन तो स्पष्ट रूप से ये क्या कर दी थी, चेतावनी दे दी थी या अपने निर्देश स्पष्ट कर दिए थे। अब क्या हुआ आगे, रचनात्मक कार्यक्रम, तो रचनात्मक कार्यक्रम में स्वदेशी को क्या देना है, प्रोत्साहन देना है, तो इसके लिए जगह जगह पर स्वदेशी स्टोर खोले गए, क्या खोले गए, स्वदेशी, स्वदेशी की दुकानें खोली गई, ठीक है, जहां पर खादी का पूरा सामान मिलेगा, स्वदेशी वस्तुएं मिलेंगी, स्वदेशी निर्माण को ज्यादा क्या दिया गया, महत्व दिया गया, ठीक है, सबसे ज्यादा। आंदोलन चलाना है तो उसके लिए इनकम भी तो जरूरी है ना, बिना पैसे का कोई आंदोलन हो जाएगा क्या, आप एक तो छोटा सा विरोध करने जाओ, किसी का एक पुतला भी फूकना है ना, तो उसमें कम से कम 2-3 हजार रुपए खर्चा हो जाएगा सामान्य तौर पर, होगा, ठीक है, लेते के पुतला जलाए, 10 लोग आए तो 10 लोग को तो चाय तो पिलाओगे, है ना, एक समोसा तो खिलाओगे, तो जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो उसमें खर्च तो होगा ना, तो उसके लिए इनकम कहां से आएगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि गांधी जी के फिलोसफी में या गांधी जी के आंदोलन में पूरा इकोनॉमिकल फिलोसफी है, पूरा इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट पे आधारित है उनका आंदोलन। तो यहां पर स्वदेशी का निर्माण, स्वदेशी वस्तुएं, विद्यालय और संस्थाओं को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो रही है, ठीक है, उसके अलावा फिर क्या, चरखा खादी कताई बुनाई जैसे वस्तुओं का क्या देना, बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों जो क्या हो चुके हैं अंग्रेजों के कारण, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पूरी तरीके से दमन हो चुका है, ऐसे सारे कुटीर उद्योगों को फिर से संचालित करने का क्या हो रहा है, प्रयास हो रहा है, स्वदेशी को लेकिन हम क्या देंगे, बढ़ावा देंगे, ठीक है। खादी को प्रोत्साहित किया गया, चरखे को प्रोत्साहित किया, तो मैं बताया कि असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा प्रतीक क्या है, चरखा है, ठीक है, इसीलिए फिर बहुत समय तक जो है ना तिरंगे में चरखे का डिजाइन था, अशोक चक्र की जगह, मालूम है ना, चरखे का सिंबल था। स्थानीय विवादों का निपटारा करने के लिए पंचायती अदालतों की स्थापना की गई, है ना, राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना हो रही, क्यों हो रही, अब इतने सारे सब वकीलों ने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है ना, छोड़ दी है वकालत, तो ये क्या काम करेंगे, अब राष्ट्रीय पंचायतों में अपनी सेवा देंगे, जितने भी स्थानीय विवाद हैं, बड़े मामले हैं, सब इन कहां पे सुलटाए जा रहे हैं, इन पंचायती अदालतों में निपटारा किया जा रहा है। यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा देने का प्रयास हुआ। 1919 के खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए कई मुस्लिम नेता जैसे अली बंधु आदि जैसे थे, तो है ना आपके मौलाना आजाद हो गए, है ना, तो ऐसे सब तमाम जो लोग हैं वो असहयोग आंदोलन से निस्वार्थ रूप से जुड़े, ठीक है,
लेकिन कुछ जो कट्टरवादी जो मुस्लिम थे, जो इनका केवल और केवल इस्लाम के लिए वो लोग खिलाफत में शामिल थे, वो लोगों ने गांधी जी का साथ नहीं दिया इसमें, ठीक है। इसीलिए गांधी जी की भूल कहा जाता है खिलाफत में, कि धर्म में उन्होंने राजनीति का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर अगला है, छुआछूत मद्यपान जैसी बुराइयों को समाप्त करना, अहिंसा के पालन को बढ़ावा देना, ठीक है। इस समय कई क्या चलाए गए, मूवमेंट चलाए गए, कई ऐसे छोटे छोटे रचनात्मक काम किए जिसमें छुआछूत को क्या करना है, उसको समाप्त करना है। दूसरा, जितना भी मद्यपान का जो काम चल रहा है, जितने भी व्यसन के काम है, उन सबको क्या करना है, बंद करना है, समाप्त करवाना है। ऐसे एक रचनात्मक कार्यों को भी क्या किया गया, तय किया गया। और बाद में हमें देखते हैं कि इसको लगातार बढ़ाने के लिए गांधीवादी नेताओं ने गांधी सेवा संघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? गांधी सेवा संघ, जिसके माध्यम से इतने रचनात्मक कार्य, कुछ चीजें चल रही थी जो सामाजिक बुराइयां उनको दूर करने का, ठीक। इसके अलावा क्या कि जितने भी सभी वयस्क जो हैं, इन वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान कराना है, सभी को, ठीक है। जितने भी यूथ हैं, है ना, जो वयस्क हैं, है ना, बच्चों को छोड़कर सभी को क्या बनाना है, कांग्रेस का मेंबर बनाना है। तो कांग्रेस की सदस्यता को बढ़ाने का प्रयास किया गया, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर 1 रुपए क्या रखा गया, सदस्यता राशि रखी गई। कितने रुपए? 1 रुपए। गांधी जी जब छत्तीसगढ़ आए तो यहां से भी उन्होंने दान ले, मतलब यहां से भी दान ले गए ना। जब गांधी जी, है ना, रायपुर में जब वापस निकल रहे थे नागपुर के लिए, जब कार में बैठ रहे थे, तो उनकी तरफ ना एक किसी महिला ने, है ना, महिलाओं को संबोधित करके जब वो निकल रहे थे, तो एक किसी महिला ने ना एक थोड़ा सा चावल, एक गांठ हल्दी और एक क्या किया, 1 रुपए का सिक्का ऐसे बांध के गांधी जी की तरफ फेंका था। तो उन्होंने कहा था, ये किसी बड़ी दयालुता हृदय वाली स्त्री, है ना, ये किसी एक बुजुर्ग, है ना, गरीब महिला की क्या है, यह मेरी सबसे अनमोल भेंट है, बोला था उन्होंने गांधी जी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी धनराशि क्या की गई है, इकट्ठा की गई है ना। 1440 रुपए भी मेरे ख्याल से समथिंग छत्तीसगढ़ से या रायपुर धमतरी से शायद कलेक्ट हुआ था, है ना। मैं बाद में अपन जब छत्तीसगढ़ का इतिहास देखेंगे ना, जब गांधी के आंदोलन को हम लोग यहाँ भी देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो उस दौरान और बताऊंगा उस, ठीक है। आभूषण महिलाओं ने दिए, धनराशि एकत्रित हुई यहाँ से, तो ये सब चीज लेकर गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हुए, अग्रसर हुए। व्यवस्थाएं इस तरीके से खड़ी हुई और इसी तरीके से आंदोलन चलता है, क्योंकि उस आंदोलन में सबकी सहभागिता है, ठीक है, एक एक आम आदमी की सहभागिता है। इसलिए क्या होता है कि आंदोलन को आर्थिक रूप से जोड़ा जाता है, ठीक है। अब उसमें उस आर्थिक व्यवस्था से क्या किया गया कि कोई अपने व्यवस्था या अपने विकास के लिए लगाया गया क्या? नहीं, पूरा पूरी की जो पूरी जो वो इकोनॉमी जो आई, या जो कहना चाहिए कि जो अर्थ आया, वो पूरा का पूरा जो किसमें खर्च किया गया, आंदोलनों में खर्च किया गया, ठीक है। सहायता के लिए खर्च किया गया, व्यवस्था पुनर्स्थापना के लिए खर्च किया गया, इस तरीके से आंदोलन होता है। और 1 रुपए भी अगर किसी आदमी ने, किसान ने, गरीब ने भी दिया होगा, तो किससे जुड़ा? कांग्रेस से जुड़ा। किससे जुड़ा? कांग्रेस से जुड़ा, ठीक है। आंदोलन का दमन कैसे चालू हुआ? सन 1921 में लॉर्ड मिंटो के स्थान पर लॉर्ड रीडिंग क्या बना? वायसराय बनकर आया, ठीक है। क्या बनकर आया? वायसराय बनकर आया। कौन? लॉर्ड रीडिंग। दमन प्रारंभ क्या हुआ? अली बंधुओं की गिरफ्तारी से। और अली बंधुओं की गिरफ्तारी का मूल कारण क्या था कि इनके लिए ये आरोप लगाया गया कि आपने अपने लेखों में हिंदू या फिर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम किया है, या आपने सांप्रदायिक रूप से क्या किया है, या अंग्रेजों के प्रति, है ना, उद्बोधन देने का प्रयास किया है, लेख लिखने का प्रयास किया। वहीं से गिरफ्तारी चालू हो गई इन लोगों की, ठीक। और मेन गिरफ्तारी किस लिए हुई थी? क्योंकि जब यहां पर प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया, ठीक है, वेल्स जो यूके का पार्ट है ना, तो भारत जब उसका आगमन हुआ, तो इसका स्वागत जो है देशव्यापी हड़ताल से किया गया। देशव्यापी हड़ताल। जब ये मुंबई पहुंचा है पोर्ट पे, तो वहां पर इसके स्वागत के लिए कोई बंदा क्या, बंदे की जात भी नहीं थी, ठीक है। पूरा खाली, सड़कें खाली, दुकान बंद, सारा चीज, अखिल भारतीय या देशव्यापी हड़ताल। जहां जहां ये गया, यहां पर इसके स्वागत के लिए कोई नहीं था, कोई नहीं, ठीक है।
गलियों में घूमने वाला जानवर भी नहीं था। सीधी बात, इतना इसका क्या हुआ, स्वागत हुआ भारत में। इस ऐतिहासिक स्वागत से भड़के हुए कौन थे, अंग्रेज। ठीक है, अब आप सोचो है ना कि कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है देश में और उसका स्वागत करने के लिए एक आदमी ना रहे, कैसा फील होगा, कैसा लगेगा। आप किसी के घर भी जाते हो है ना, उसके घर में आप कुछ बैठाने की भी व्यवस्था नहीं होती, बाहर से अगर आपको भेज देते हैं तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है, बुरा लगता है ना। तो यहाँ दिल से बुरा लगा था अंग्रेजों को, कैसा लगा था, दिल से बुरा लगा था किनको, अंग्रेजों को, और यही बड़ा कारण बना। इसी के साथ साथ गांधी जी ने बरदौली से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे दी थी। असहयोग आंदोलन का जो मामला था ये उसके अंतर्गत यह अंग्रेजों को उन्होंने चेता दिया था कि अगर हमारी मांगे स्वीकार नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा, हमारा अगला जो चरण होगा वो क्या होगा, सविनय अवज्ञा। लेकिन सविनय अवज्ञा होता उससे पहले ही क्या हो गया यहाँ पर, 5 फरवरी, इसको किसी किसी किताब में 6 फरवरी भी लेता है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, और हालांकि जहां पे घटना हुई है वहां पर ये जो डेट है वो 6 फरवरी ही लिखा हुआ है ना। तो 6 फरवरी चौरा चौरी की घटना घटी। क्या हुआ चौरा चौरी की घटना में, इस समय एक व्यक्ति था चौरा चौरी में है ना, उसका नाम था भगवान अहिर। ठीक है, तो भगवान अहिर ने एक जुलूस निकाला था, उस भड़काई मतलब उस जुलूस में अचानक क्या हुआ, वो भड़क गई और भड़कने के बाद जो है वहां के थाने पर आग लगा दी। ठीक है, वहां के थाने पर क्या लग गई, आग लगा दी, और इस आग में लगभग है ना उस थाने में 20 लोगों की मृत्यु हो गई, जिंदा जला दिया गया। ठीक है, अब अंग्रेजों को तो इसी का इंतजार था, अंग्रेजों को किसका इंतजार था, इसी का इंतजार था। तो यहां पर जैसे ही थाने में आग लगी और आग लगने के बाद 20 लोगों की मृत्यु हो गई, तत्काल यहां पर दमन का पूरा क्या होना चालू हो गया, अंग्रेजों का दमन कार्य चालू हो गया, उनकी दमन नीति प्रारंभ हो गई, लाठीचार्ज होना, गिरफ्तारी करना। तो लगभग 170 लोगों को सरकार ने एक साथ फांसी की सजा सुना दी, कितने लोगों को, 170। ठीक है, और इन 170 में से 151 लोगों को बचाने का काम किसने किया, मदन मोहन मालवीय ने। फांसी की सजा से 151 लोगों को बचाने का काम किसने किया, मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, जैसे ये दमन आगे बढ़ा तो इस दमन के बाद 12 फरवरी सन 1922 को महात्मा गांधी इस समय बारदोली में थे, तो बारदोली में इन्होंने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी है ना, बारदोली में आंदोलन को स्थगित करने की क्या कर दी, घोषणा कर दी। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने इनके गांधी जी की लगातार कई आलोचनाएं चालू हो गई है ना, और आलोचनाओं को सहते हुए भी गांधी जी ने यह कहा, उनकी पत्रिका है, मुख्य पत्रिका है उनकी, यंग इंडिया, क्या नाम है, यंग इंडिया। गांधी जी ने यंग इंडिया में कहा कि मैं आंदोलन को अहिंसक या हिंसक होने से बचाने के लिए किसी भी प्रकार के आलोचना या इवनली मैं यातनाओं को भी सहने के लिए क्या है, तैयार हूं, आलोचना यातनाओं यहां तक कि मृत्यु को भी स्वीकार करता हूं, ऐसा कहते हैं गांधी। क्या कहते हैं कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर प्रकार की यातनाएं आलोचनाएं और यहां तक कि मृत्यु तक को मैं क्या करता हूं, स्वीकार करता हूं, परंतु आंदोलन को किसी भी प्रकार से मैं क्या नहीं होने दूंगा, हिंसक ना नहीं होने दूंगा। क्योंकि गांधी जी का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा था कि वो क्या चाहते हैं कि हिंसा ना हो, पूरा आंदोलन कैसे रहे, अहिंसा। ठीक है, एक अहिंसक आंदोलन को ही कंटिन्यू रखना चाहते थे। और उन्होंने कहा था, मैं पहले ही बताया कि जब मैं बोलूंगा तो आंदोलन प्रारंभ होगा, जब मैं कहूंगा तो आंदोलन समाप्त होगा। उसके पीछे कारण क्या है आप समझिएगा, आप अगर अपनी प्रजा को नहीं बचा पाए तो आपके नेता होने का कोई फायदा नहीं है, क्या। गांधी जी की आलोचना अवश्य हुई, लेकिन गांधी जी ने यहां पर सतर्कता बरतते हुए सबसे पहले आंदोलन को समाप्त किया है, तो अंग्रेजों का दमन भी समाप्त हो गया ना। अब आंदोलन ही रुक गया तो आप किसको गिरफ्तार करोगे, तो अब गिरफ्तार किसको किया गया, गांधी जी को किया गया। ठीक है, तो 10 मार्च 1922
सन 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके न्यायाधीश ब्रूमफील्ड की अदालत में पेश किया गया। क्या नाम था जज का? ब्रूमफील्ड। ठीक है, जज का नाम क्या था? ब्रूमफील्ड। जब गांधी जी को, जो उनका थोड़ा स्वास्थ्य उस समय खराब हुआ, 10 मार्च को उनको गिरफ्तार करने गए और गिरफ्तार करके लाके ब्रूमफील्ड की अदालत में लेकर आए, तो गांधी जी को जब लाया गया तो उनकी आलोचना करने वाले तो बैठे ही हुए थे, है ना, जो अंग्रेज थे। गांधी जी को देखने के बाद जो जज था वो अपनी चेयर से खड़ा, है ना, ब्रूमफील्ड ने, है ना, गांधी जी जब आए तो अपनी चेयर से उठकर उनका अभिवादन किया, उनका सम्मान किया, और गांधी जी ने भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए जब उनको मुकदमा जब स्टार्ट हुआ तो वो सारी पैरवी को रोकते हुए कहते हैं न्यायाधीश से कि मैं अपने ऊपर लगे हुए हर आरोपों को मैं स्वीकार करता हूं कि यह आंदोलन मैंने प्रारंभ किया था, मैंने ही समाप्त किया है। ठीक है, मुझे अपने ऊपर लगे सारे आरोप क्या है स्वीकार है, अदालत अपना समय व्यर्थ ना करे और सीधे सीधे सजा सुनाए, सीधा गांधी जी ने कह दिया। ब्रूमफील्ड ने यहाँ पर गांधी जी को सजा सुनाने से पहले 6 वर्ष का कारावास उनको सुनाया, तो उससे पहले ब्रूमफील्ड ने कहा कि आज एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है मेरी अदालत में, आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी अदालत में एक युग पुरुष को लाया गया है। ये ब्रूमफील्ड ने कहा था किसके लिए? गांधी जी ने। उसने कहा कि आज एक युग पुरुष के लिए फैसला सुनाने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है, आज मेरी अदालत में एक युग पुरुष आया है। ऐसा गांधी जी के लिए स्टेटमेंट किसने दिया था? न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने। ठीक है, और गांधी जी को 6 वर्ष की कारावास सजा दी गई, लेकिन उनके अच्छे आचरण और खराब स्वास्थ्य के कारण फरवरी 1924 में ही उनको ठीक 2 साल के बाद क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। गांधी जी के खराब स्वास्थ्य के कारण उनको क्या कर दिया गया 1924 में? रिहा कर। ठीक है, और इसके बाद हम ये जानते हैं कि सन 1924 के जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो कहां हुआ? बेलगांव में हुआ। कहां हुआ? बेलगांव। ठीक है, तो इस समय बेलगांव के अधिवेशन में, है ना, गांधी जी ने क्या की? अध्यक्षता की, सन 1924। यहां पे एक चीज है पीछे, है ना, उसको मैं थोड़ा सा आप लोग को और बताना चाहता हूं कि गांधी जी ने यहाँ पे खादी की महत्ता को बताया था। सन 1921 में काकीनाडा का एक अधिवेशन हुआ आंध्र प्रदेश के पास में है। मैं उस दिन गांधी जी का आंदोलन परिचय बताते बताते इसको बेलगांव बोला था। काकीनाडा का एक क्षेत्र है, काकीनाडा में एक सम्मेलन सभा हो रही थी, अधिवेशन हो रहा था 1921 का। तो उस समय गांधी जी को एक व्यक्ति ने यह पूछा कि गांधी जी खादी को पहनने को आप कह रहे हैं, खादी का प्रयोग करने को आप कह रहे हैं, लेकिन खादी बहुत महंगी है, हम कैसे खादी का प्रयोग करें? तो गांधी जी ने कहा था कि हम कम कपड़े पहने, और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं हूं तब तक मैं भी क्या करूंगा, कम कपड़े पहनूंगा। ठीक, गांधी जी ने भी खादी के लिए ये कहा। ठीक, तो गांधी जी जनता को सुरक्षित रखने, उसके न्याय के लिए और उसके साथ में चलने के लिए हमेशा क्या थे? तत्पर थे। ठीक है, तब गांधी के साथ में क्या हुई थी? जनता जुड़ रही थी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक, अब गांधी जी का विरोध और उनकी आलोचना किसने की? तो मध्य प्रांत से आने वाले डॉक्टर मुंजे ने सबसे पहले तो उनके लिए निंदा प्रस्ताव पेश कर दिया। किसके लिए? गांधी जी के लिए। लाला लाजपत राय ने कहा था कि किसी एक स्थान के पाप के कारण संपूर्ण देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है? उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में जो कांड हो गया, 20 लोग क्या हो गए उसमें, जिंदा जला दिए गए, और एक जुलूस या एक जो कहना चाहिए कि वर्ग जो है वहां पर, एक स्थान के लोग क्या हो गए? हिंसक हो गए। तो पूरे देश में चल रहे आंदोलन को रोकना न्याय संगत कैसे होगा? ये किसका मानना था? लाला लाजपत राय का मानना था। सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों का यह मानना था कि हम उस कहना चाहिए कि टॉप मोस्ट उस पर पहुंच चुके हैं, या चरम पर पहुंच चुका है हमारा आंदोलन, कि हमको हो सकता है स्वतंत्रता भी प्राप्त हो सकती थी, अंग्रेज हमारी सारी बातें स्वीकार कर सकते थे। उस दौरान आपने क्या किया है? आंदोलन को स्थगित किया है। ठीक है, इसमें मोतीलाल नेहरू ये कहते हैं कि यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसका सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए? इनका अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्या कहते हैं?
कोई एक जगह पर क्या हुआ, कन्याकुमारी में अगर आंदोलन क्या हुआ है, हिंसक हो गया, तो उसका सजा हिमालय में क्यों मिलना चाहिए एक गांव, ये कहते हैं कौन, मोतीलाल नेहरू। टी आर दास का ये कहना था कि गांधी जी आंदोलन को बहुत साहस से प्रारंभ करते हैं, ठीक है, गांधी जी क्या करते हैं आंदोलन को बहुत साहस से प्रारंभ करते हैं, कुछ समय तक कुशलता से चलाते हैं परंतु अंत में साहस छोड़कर बहक जाते हैं। ये किसने कहा, टी आर दास, चितरंजन दास, ठीक। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमको, हम सबको बड़ा दुख हुआ जब हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। किस ओर बढ़ रहे थे, सफलता की ओर, क्लियर है, समझ में आया यहां तक, ठीक। अब असहयोग आंदोलन की उपलब्धियां क्या क्या थी, ये हमारा आज का लास्ट वो है ना स्लाइड है, आज हम लोग यहाँ खत्म करेंगे। तो सबसे पहला क्या, राष्ट्रीय आंदोलन का एक क्षेत्रीय में वर्गीय विस्तार, ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्ग हमको मिल गया कि अब क्या करेंगे, किसके साथ में हम आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन को एक बड़ा नेतृत्व और क्षेत्र क्या हो रहा है, हमको मिल रहा है इस समय। असहयोग आंदोलन एक निर्णयात्मक संघर्ष था, ठीक है, निर्णयात्मक संघर्ष क्या कि हम एक क्या कर रहे हैं, पायदान तक चल रहे हैं, अब हमारे पास क्या लीडर है, हम उसके नेतृत्व में क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा आंदोलन चला सकते हैं, हमको असहयोग आंदोलन से दिख रहा है, ठीक है। देश का प्रत्येक नागरिक संघर्ष के लिए तैयार है, अब जब भी हम आवाज उठाएंगे ना तो घर के हर, मतलब देश के हर घर से क्या निकलेगा, आदमी निकलेगा और वो आंदोलन में हमारा क्या करेगा, समर्थन करेगा। पहले हो सकता था कि दक्षिण भारत का एक आदमी, उत्तर भारत का एक आदमी, है ना, पश्चिम भारत का एक आदमी, उत्तर भारत का एक आदमी, ऐसे एकाध जगह करके हमको एकाध तो कोई कोई मिलते रहे होंगे, कभी उत्तर भारत संघर्ष कर रहा है तो कभी दक्षिण भारत संघर्ष कर रहा है, दोनों सम्मिलित रूप से एक साथ नहीं आ रहे थे, लेकिन असहयोग आंदोलन के समय जो पराकाष्ठा हमको देखने को मिली आंदोलन की, वहां पर पूरा देश एक साथ, नागरिक एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये गांधी जी की फिलॉसफी भी थे, 1922 में उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन विराम लगा दिया, क्योंकि संघर्ष विराम संघर्ष की क्या थी, थ्योरी। हिंदू मुस्लिम एकता को उन्होंने क्या दिया, बढ़ावा मिला इस समय। मुट्ठी भर लोगों के संगठन के आरोप से कांग्रेस को मुक्ति मिली। अब थोड़े से लोग क्या कर रहे थे, जो आलोचनाएं कर रहे थे, ठीक है, जो मुट्ठी भर लोगों का संगठन था, यानी कि कहना चाहिए कि जैसे मुस्लिम लीग है या फिर कुछ अन्य संगठन है जो कांग्रेस को हमेशा क्या समझते थे, है ना, उस पर आरोप लगाते थे, उससे क्या मिल गई कांग्रेस को, मुक्ति मिल गई, क्योंकि कांग्रेस अब एक बहुत बड़े संगठन के रूप में जाना जा रहा था, ठीक है। इसके बाद क्या, जनता के दमन एवं संघर्ष की क्षमता का प्रदर्शन हुआ, जनता किस प्रकार से एक्टिव हो सकती है ना, जनता पर किस तरीके का दमन की कार्रवाई पुलिस कर सकती है या ब्रिटिश कर सकते हैं, इस पर हम लोगों ने देखा, उनकी क्षमता का प्रदर्शन देखा। विदेशी शासन का भय आम जनमानस से समाप्त हो चुका था, अब उनको समझ में आ गया था कि हम क्या कर सकते हैं, हम भी इनके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, और उस पूरी लड़ाई को हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जनता के अंदर का जो डर था कि हो सकता है कि इनकी दमन नीतियों के, दमन नीति ऐसी हो कि हम भी क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ऐसा डर इनके मन से समाप्त हो गया। अब आंदोलन में सब सक्रिय रूप से क्या ले सकते थे, भाग ले सकते थे, है ना, अब इनको लाठी और डंडे का क्या नहीं था, डर नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन भी अपनी उपलब्धियों के साथ में समाप्त हुआ और जनता के हितों के लिए और जनता के को सुरक्षित रखने के लिए गांधी जी ने क्या किया, अपना असहयोग आंदोलन स्थगित किया। अब इसके बाद हम लोग गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो दो वर्षों का जो गैप आया, उन दो वर्षों में क्या हुआ, इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो जो पार्ट फोर रहेगा हमारा वो स्वराज पार्टी का रहेगा, किसका रहेगा, स्वराज, ठीक है। तो आज के टॉपिक हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, क्लियर है।